अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। मध्य प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान बेसरोसामान हो गए, इसलिए दिल का दर्द जुबां पर आ गया। कहते कहते कह गए, पार्टी के लिए जी जान लगा दिया, अब अपनी जुबान से अपने लिए मांगने से बेहतर मर जाना होगा। बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। दर्द छलके भी क्यों ना, जिस सूबे में 4 बार सीएम रहे वहां शिव की जगह मोहन राज आ गया। ऐसे में जब सवाल उठा कि क्या शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाकर पार्टी नेतृत्व से अपने लिए किसी बड़े पद की मांग रखेंगे, इस सवाल के जवाब पर शिवराज के तेवर ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे दिल्ली जाकर मांगना पसंद नहीं, अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। उस दिन जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी शिवराज के आवास पर जब सूबे की उनकी बहनें मिलने पहुंची थी तो शिवराज को सीएम ना बनाए जाने को लेकर फूट फूट कर रो रही थी। शिवराज सिंह ने महिलाओं को गले लगाकर उन्हें संभालने की कोशिश की। इस दौरान खुद शिवराज सिंह चौहान भावुक नजर आए। हालांकि दर्द को सीने में छुपा शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेतृत्व के पक्ष में बात रखी कि पार्टी ने उन्हें 18 साल तक मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने उन्हें सब कुछ दिया, इसलिए अब पार्टी को लौटाने का वक्त आ गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लाडली बहना योजना के बाद अब वो लखपति बहना योजना पर काम करने वाले हैं, इसके लिए वो पूरा दम लगाएंगे।